वेलकम टू किरण्स लर्नर एकेडमी। अच्छा, हम लोग एसएससी के लिए आज जो टॉपिक कर रहे हैं नॉन वर्बल का, वो है वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या होता है, यानी दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण में हमारा जो दाएं और बाएं है, यानी लेफ्ट और राइट, ये आपस में बदल जाते हैं और ऊपर और नीचे वो बिल्कुल सेम रहेगा। यानी जो चीज ऊपर है वो प्रतिबिंब में भी ऊपर दिखेगा और जो नीचे है वो नीचे दिखेगा, लेकिन दाएं का बाएं हो जाता है और बाएं का दाएं। इसी तरीके से जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में हमारा दाएं और बाएं वो तो सेम रहता है, लेकिन ऊपर की चीज नीचे दिखती है, नीचे की चीज ऊपर दिखती है। तो इसी को करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। अगर हमारे पास लाइन इस तरीके से है तो हम बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब, और अगर हमारे पास इस तरीके से फिगर में बना हुआ है तो हम बनाएंगे जल प्रतिबिंब। तो इस लाइन से हमें पता लगता है कि हमें कौन सा प्रतिबिंब बनाना है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमें प्रतिबिंब इसका बनाना है, तो हम इस तरीके से देखेंगे जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, इसमें ये त्रिभुज जो है ऐसे दिखेगा और ये ऐसे, इसके अंदर ये चीज ऐसे रहेगी, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरह की अगर हम फिगर देखें तो ऑप्शन बन जाता है थर्ड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में अगर हम करें तो हमारे पास जो है इस तरीके से फिगर बनेगी। इस तरीके से अगर हम फिगर को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाता है सेकेंड ऑप्शन। यस, इस ये वाली लीफ इधर आएगी, ये नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन बन जाता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब में हमारे पास जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमें इसके अक्रॉस, MN के अक्रॉस दर्पण में बताना है। तो हमारा जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास इधर कली बनेगी, यहाँ पर फूल बनेगा। तो अगर इस तरह का हम देखें तो हमारे पास जो है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें बनाना है इसका दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि इस लाइन के अक्रॉस बनाना है। तो अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास पहला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, इसका भी हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो पहले जे लिखेगा, जे इस तरह कैसे होगा, फिर ए मिलेगा, फिर एल इस तरीके से मिलेगा, के और फिर आई। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन बन जाता है फोर्थ। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बनाएं, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए आर ई ए और डी, तो इस तरीके से जो हमें मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस तरीके से है, तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बन रहा है फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमें इसका बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इधर ये बॉक्स बना होगा, इधर ये सर्कल बना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जो हमारी नोज है वो इस तरीके से बनेगी, तो इस तरीके से ऑप्शन बन जाता है थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास यही फिगर बनेगी, इस कॉर्नर से आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे को फिर से मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बनाना है तो सिक्स इस तरीके से, फोर टू, तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन बनता है थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें इस तरीके से लाइन लिखी है तो हमें इसे बनाना है जल प्रतिबिंब। तो अगर हम इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाता है
थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बनाना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस तरह का हमारे पास फिगर बनेगा, ऑप्शन बन जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। वी भी एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू भी और एक्स भी, तो ऑप्शन बन जाता है थर्ड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमारे पास डॉलर साइन तो एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा और ये वाली फिगर भी एज इट इज रहेगी। तो इस तरीके से ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, चारों ही ऑप्शंस बन सकते हैं। इस तरीके से सेकंड फिगर को देखें तो सेकंड फिगर में इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से बनेगा। तो सॉरी, ये सेकंड लाइन गलत हो गई है। इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर की आकृति को हमने MN के अक्रॉस बनाना है, तो हमारे को इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब बनाने का मतलब है हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वाटर मिरर इमेज और मिरर इमेज के करे हैं, जो हमारे SSC के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन वर्बल में इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।